हेलो तो बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे तो आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग टू एक्सप्रेस लेंथ इन एंड मीन्स मिलीमीटर सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर टू एक्सप्रेस मास इन एम जी जी एंड के जी मिलीग्राम ग्राम एंड किलोग्राम टू एक्सप्रेस कैपेसिटी इन एम एल मिलीलीटर and liter l to carry out the basic operations on measurement now topic is conversion of units of measurement given below are tables showing the place value system for different units of length mass and capacity in addition to the basic units such as मीटर फॉर लेंथ ग्राम फॉर मास एंड लीटर फॉर कैपेसिटी देयर आर अदर यूनिट्स देट हेल्प टू कन्वर्टनिट फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर यूनिट एंड वायस वर्सा हमें नीचे एक टेबल गिवन है जिसमें हमारा क्या है किलोमीटर के एम हेक्टोमीटर एच एम डेकामीटर डैम मीटर एम डेसी मीटर डी एम सेंटीमीटर सी एम एंड मिलीमीटर एम एम यूनिट्स ऑफ लेंथ वन किलोमीटर इज थाउजेंड मीटर वन हेक्टोमीटर इज हंड्रेड मीटर्स वन डेका मीटर इज टेन मीटर ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ है मतलब बेसिकली हम मीटर यूज करते हैं डेसी मीटर मीन्स वन 10 टेन ऑफ ए मीटर वन अपॉन हंड्रेड ऑफ अ मीटर सेंटीमीटर में एंड वन अपॉन थाउजेंड ऑफ मीटर क्या है, मिलीमीटर, राइट नाउ नेक्स्ट इज यूनिट्स ऑफ मास किलोग्राम हेक्टोमीटर डेकाग्राम ग्राम डेसीमीटर सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम इसमें भी हमारा वन किलोग्राम इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम वन हेक्टोग्राम इज हंड्रेड ग्राम वन डेकाग्राम इज टेन ग्राम ग्राम हमारी बेसिक यूनिट ऑफ वेट है डेसी ग्राम इज वन अपॉन टेन ऑफ ए ग्राम सेंटीग्राम इज वन अपॉन हंड्रेड ऑफ ए ग्राम एंड वन अपॉन थाउजेंड ऑफ ए ग्राम इज मिलीग्राम नाउ नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी क्या है किलोलीटर केल हैक्टोलीटर डेका लीटर लीटर डेसी लीटर सेंटी लीटर एंड मिली लीटर्स वन किलोलीटर में थाउजेंड लीटर्स वन हेक्टोलीटर में हंड्रेड लीटर्स वन डेका लीटर में टेन लीटर्स एंड लीटर इज द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी कि हम मोस्टली लीटर्स में उसको मेजर करते हैं वन डेसीटर इज वन अपॉन टेन ऑफ अ लीटर ड्रेड ऑफ अटर इज वन अपॉन थाउजेंड ऑफ अन वी मूव फ्रॉम अ स्मॉलर यूनिटर ईनिट्स इट्स लेफ्ट जब भी हम स्मॉल से बिगर यूनिट की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे टेन से डिवाइड मिली लीटर से टेन से डिवाइड किया सेंटी पे आए फिर टेन से किया डेसी पे आए फिर टेन से किया फिर हम बेसिक यूनिट पे आ जाएंगे मीटर ग्राम और लीटर पे फिर से डिवाइड किया फिर हम किस पे आ जाएंगे डेका पे आ जाएंगे फिर टेन से किया फिर हेक्टो पे और फिर किलो पे कि छोटी यूनिट से जैसे जैसे हम बड़ी यूनिट की तरफ मूव करेंगे हम हर एक प्लेस पे हर एक यूनिट पे क्या करेंगे टेन -टेन से डिवाइड करते जाएंगे नाउ एग्जाम्पल से इसको देखते हम एग्जाम्पल वन कन्वर्ट 1028, जीरो सेंटीमीटर इनटू डेसीमीटर मीटर एंड किलोमीटर सॉल्यूशन देखते हैं इसका हम डेसीमीटर 1028 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1028 बाय 10 क्योंकि सेंटीमीटर क्या है बड़ी यूनिट है डेसीमीटर से तो उसे हम 10 से नेक्स्ट पे ही है तो 10 से डिवाइड कर देंगे यहां से हमने 10 पे डिवाइड किया 10 से डिवाइड 10 से किया तो क्या करें जीरो वाले में क्या करते हैं राइट साइड से एक जो है डेसीमल क्या हो जाता है आगे शिफ्ट हो जाता है तो वन टू एट है तो वन जीरो पॉइंट एट डी एम डी एम डेसी मीटर वी डिवाइड बाई टेन एज वी आर मूविंग वन यूनिट टूवर्ड्स लेफ्ट लेफ्ट साइड मीन्स हम छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं नाउ नेक्स्ट बी पार्ट मीटर में कन्वर्ट करना है हमें वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर में कन्वर्ट करना है तो सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो टू यूनिट्स हैं कितने यूनिट्स हैं टू यूनिट्स हमें लेफ्ट की साइड जाना है टू यूनिट्स जाने के लिए हमें पर यूनिट टेन है तो टू यूनिट कितना हो गया हंड्रेड तो हम यहाँ पे हंड्रेड से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे और डेसीमल क्या हो जाएगा आपका डेसीमल आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा कितना टू डिजिट तो हमारा आ गया टेन पॉइंट टू एट मीटर वी डिवाइड बाय हंड्रेड एज वी आर मूविंग टू यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट राइट नाउ नेक्स्ट इज किलोमीटर 1028 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से हमें कितना कहां जाना है किलोमीटर पे किलोमीटर पे जाने के लिए हमारे पास क्या है सेंटीमीटर से मीटर तक आने के लिए दो यूनिट और मीटर से फिर किलोमीटर तक जाने के लिए तीन यूनिट तो टोटल फाइव फाइव यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट जाना हमें फाइव यूनिट्स का मतलब नीचे हम कितने से करेंगे लाख से डिवाइड करेंगे तो फाइव यूनिट्स हमें मूव करना है लेफ्ट साइड में नीचे हमने वन लाख से किया तो डेसिमल के बाद क्या करेंगे डेसिमल को लेफ्ट साइड फाइव डिजिट पे हम शिफ्ट कर देंगे वन टू थ्री फोर हमारी तो फोर डिजिट है तो हम क्या करेंगे एक जीरो पुट करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो वन जीरो टू एट किलोमीटर राइट नाउ एग्जाम्पल टू कन्वर्ट वन ट्वेंटी मिली लीटर इंटू किलो लीटर ए पार्ट 120 ट्वेंटी एम एल इंटू के एल मिली लीटर को किलो लीटर में कन्वर्ट करना है मिली लीटर से हम किस पे जा रहे हैं सीधा किलो लीटर पे टोटल कितनी यूनिट्स हैं? सिक्स तो हम सबसे छोटी से सबसे बड़ी पे शिफ्ट हो रहे हैं टोटल बीच में कितनी है सिक्स है तो दैट मीन्स हम सिक्स यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा टेन लैक्स से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो यहां हमने क्या किया टेन लैक्स से डिवाइड किया सिक्स डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे हमारे पास तीन है तो तीन जीरो लगा देंगे तो हमारा कितना आया जीरो पॉइंट जीरो 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 किलो लीटर टुवर्ड्स लेफ्ट क्योंकि हम सिक्स यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहे हैं सबसे छोटी से सबसे बड़ी की तरफ नो बी पार्ट सेवन फाइव टू वन सी जी टू एच सेवन फाइव टू वन सी जी सी जी सेंटी ग्राम किस में जाना हमें हेक्टोग्राम पे तो कितने यूनिट्स फोर यूनिट्स कितने जाएंगे हम फोर यूनिट्स तो फोर यूनिट्स हम टेन थाउजेंड से इसको डिवाइड करेंगे और फोर डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे हम टेन थाउजेंड क्योंकि हम फोर यूनिट्स कहाँ मूव कर रहे हैं लेफ्ट साइड में तो टेन थाउजेंड से डिवाइड किया और फोर डिजिट्स के बाद डेसीमल पुट कर दिया लेफ्ट साइड में वन टू थ्री फोर ये आ गया हमारा इतना हेक्टोग्राम नाउ एग्जाम्पल थ्री कन्वर्ट ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी मिलीलीटर लीटर इन टू लीटर्स एंड किलो लीटर्स। में सोल्यूशन देखते हैं ट्वेल्व हंड्रेड 1250 मिलीलीटर लीटर को हमें लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें कितना मूव करना पड़ेगा थ्री यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट थ्री यूनिट्स का मतलब थाउजेंड से इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे इसको थाउजेंड से ट्वेल्व डिवाइडेड बाय वन थाउजेंड तब यह हमारा किसमें कन्वर्ट होगा लीटर में जीरो से जीरो कैंसिल और दो डिजिट हैं. है, तो, तो, से? से तो हमारा कितना आएगा वन पॉइंट टू फाइव लीटर नेक्स्ट है हमारा ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है किलोलीटर में किलो लीटर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मूविंग सिक्स यूनिट्स टूवर्ड्स लेफ्ट सिक्स यूनिट्स जाना है तो हम यहाँ पे वन क्या है कितने से हम इसको डिवाइड कर देंगे सिक्स डिजिट्स सिक्स जीरो लगाई और सिक्स डिजिट्स के बाद हम डेसिमल पुट करेंगे हमारे पास क्या है वन टू फाइव जीरो और नीचे वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन जीरो से वन जीरो कैंसिल हो गया फाइव जीरो रहेगी तो वन टू थ्री थ्री है हमारे पास सिर्फ हमारे पास थ्री है तो हम क्या लगा देंगे फोर फाइव दो जीरो हमने पुट कर दी तो हम फाइव डिजिट्स के बाद क्या लगा दिया हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारा कितना हुआ जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू फाइव किलो लीटर राइट वेन वी मूव फ्रॉम अ बिगर यूनिट टू अ स्मॉलर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर राइट्स। इसने क्या कहा है जब हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं राइट साइड में तो हर एक यूनिट पे हम क्या करते हैं टेन टेन से मल्टीप्लाई करते जाते हैं जैसे यहाँ पे किलोलीटर से हेक्टो पे गए टेन से किया डेका पे गए फिर टेन से फिर बेसिक पे गए फिर टेन से फिर डेसी पे गए सेंटी पे गए हर बार क्या है जितना मूव करेंगे हम मल्टीप्लाई कन्वर्ट ट्वेंटी फाइव हेक्टोमीटर इंटू सेंटीमीटर सोल्यूशन देखते हैं इसका है इस कहा? हम हमें कहा जाना है हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर पे हेक्टो से सेंटी पे कितना मूव टू थ्री फोर कितना लेफ्ट साइड गए हम फोर यूनिट्स मूविंग फोर यूनिट्स टूवर्ड्स राइट फोर का मतलब है हमें टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ट्वेंटी फाइव हेक्टोमी टू ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई बाई टेन थाउजेंड इज इक्वल टू टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सेंटीमीटर तो हमने क्या किया ट्वेंटी फाइव को टेन थाउजेंड से मल्टीप्लाई किया तो कितने सेंटीमीटर हुए टू लाख फिफ्टी थाउजेंड सेंटीमीटर नाउ एग्जाम्पल टू कन्वर्ट 3.45 किलोलीटर इनटू मिलीलीटर सॉल्यूशन करते हैं इसका हम 3.45 किलोलीटर इज इक्वल टू किलोलीटर से हमें कहाँ जाना है मिलीलीटर मिलीलीटर सबसे छोटा तो हम क्या करेंगे सिक्स यूनिट्स हमें राइट right साइड जाना है कितना मूव करना है सिक्स यूनिट्स टूवर्ड्स राइट तो सिक्स यूनिट्स के लिए हम क्या करेंगे टेन लैक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री पॉइंट फोर फाइव मल्टीप्लाई बाय टेन लैक तो हमारा कितना हो जाएगा थर्टी फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड एम एल थ्री फोर फाइव और फोर टू जीरो हमारी यहां से कम हो जाएंगी टोटल कितनी बच जाएंगी हमारी फोर जीरो पे हमारी बच जाएंगी जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे नाउ एग्जाम्पल थ्री कन्वर्ट सेवेंटीन डेकाग्राम इंटू सेंटीग्राम डेकाग्राम से हमें कहाँ जाना है सेंटीग्राम पे कितने यूनिट्स थ्री यूनिट्स मूव करना है हमें राइट साइड तो हम थ्री यूनिट्स का मतलब है 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 डेकाग्राम इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाय 1000 थाउजेंड इक्वल टू सेवनटीन सेंटीग्राम कितना आ जाएगा हमारा 17000 सेंटीग्राम नाउ बी पार्ट 24.5 ट्वेंटी फोर पॉइंट लीटर हेक्टो लीटर से लीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें टू यूनिट्स टूवर्स राइट जाना है टू यूनिट्स का मतलब है हमें हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना है तो ट्वेंटी जीरो इसलिए कम हुई क्योंकि डेसिमल भी तो है हमारा तो एक डेसिमल वहां से कन्वर्ट हो गया तो टू फोर फाइव जीरो लीटर हमारा क्या रहेगा आंसर तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड टू और द मेजरमेंट्स फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द मेजरमेंट्स इंटू द सेम यूनिट एंड देन एड और सब्ट्रेक्ट जब भी हम मेजरमेंट्स में एड या सब्ट्रेक्ट करते हैं तो जितने भी मेजरमेंट गिवन है उनको सेम यूनिट सेम यूनिट मीन्स सारे लीटर है तो सारे लीटर मिलीलीटर है तो मिलीलीटर, ग्राम है तो ग्राम किलोग्राम है तो ग्राम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे उसके बाद हम और करेंगे। नाउ फर्स्ट इज द फॉलोइंग। ए पार्ट में है 54 मीटर प्लस 25 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर अब आपने देखा दोनों मीटर में है बट 7 किस में है सेंटीमीटर में है seven किस में है सेंटीमीटर में है तो इसको हम कैसे करेंगे Therefore, 54 meter plus 25 meter, 7 centimeter. क्या लिखा हमने इसको 7 centimeter. तो यहां पे हमने मीटर और centimeter में लिखा तो meter में क्या है 54 और 25 54 और 25 सेंटीमीटर में क्या है 7 तो उसको साइड में लिख दिया सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर में 7 ऐड करेंगे इसको हम 7 में 0 प्लस करेंगे

यहां पे हमने क्या किया थ्री किलोग्राम फोर हंड्रेड इक्वल टू कैसे लिखा इसको हमने थ्री पॉइंट फोर टू फाइव ग्राम नेक्स्ट क्या हमारा थर्टी फाइव किलोग्राम एंड फाइव ग्राम तो थर्टी फाइव किलोग्राम को हमने किलोग्राम में रखा और फाइव ग्राम को कैसे लिखा जीरो जीरो फाइव ग्राम ओके okay? और ये पूरा किस में कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में 192 किलोग्राम को एज इट इज रखा पीछे डेसिमल के बाद तीन डिजिट है तो डेसिमल लगा के थ्री जीरोज लगा दी वो भी हमारा किस में कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में 23 किलोग्राम 55 ग्राम को हमने लिखा 23.055 किलोग्राम अब हमने क्या किया सबका जो डेसिमल प्लेस है वो इक्वल कर लिया यहाँ पे इसको हम अरेंज करेंगे किलोग्राम और ये ग्राम में 3.425 35.005 192.000 23.055 इसको हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया डेसिमल के नीचे अलाइन करेंगे डेसिमल को सबको ऐड किया कितना आया 253.485 देयरफॉर 3 किलोग्राम 425 ग्राम प्लस 35 किलोग्राम 5 ग्राम प्लस 192 किलोग्राम प्लस ट्वेंटी थ्री किलोग्राम फिफ्टी फाइव ग्राम इज इक्वल टू टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री पॉइंट फोर एट फाइव किलोग्राम किलोग्राम में राइट नाउ नेक्स्ट सी पार्ट इज नाइन लीटर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर प्लस फिफ्टीन लीटर थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव मिली लीटर इसमें हमने देखा कि दोनों में मिली लीटर क्या है सेम डेसिमल प्लेस हैं देर फोर नाइन लीटर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर प्लस फिफ्टीन लीटर थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव मिली लीटर इज इक्वल टू क्या हुआ डायरेक्ट हमने लीटर और मिली लीटर क्योंकि दोनों में सेम प्लेसेज है राइट right? लीटर और मिली लीटर में तो हमने नाइन लीटर 650 मिलीलीटर 15 लीटर 375 मिलीलीटर ऐड किया हमारा कितना आया 25 लीटर एंड 25 मिलीलीटर तो देयरफॉर हमारा आंसर कितना रहा ऐड करने के बाद 25 लीटर एंड 25 मिलीलीटर नाउ सेकंड इज सबट्रैक्ट द फॉलोइंग अब हमें क्या करना है सबट्रैक्ट सेम प्रोसीजर रखेंगे हम अलाइन करेंगे मीटर सेंटीमीटर सेम यूनिट रखेंगे ए पार्ट करते हैं इसका हम क्या है 76 मीटर माइनस 45 मीटर 75 सेंटीमीटर हमने यहां पे क्या देखा मीटर एंड सेंटीमीटर हमने मीटर एंड सेंटीमीटर लिखा 76 मीटर के बाद सेंटीमीटर में कुछ नहीं है तो हम सेंटीमीटर में क्या लगा देंगे जीरो एंड 45 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर है तो 45 मीटर और 75 सेंटीमीटर में लिखेंगे माइनस करेंगे एज यूजल जैसे करते हैं जीरो में से माइनस नहीं हुआ तो बोरो किया 10 माइनस फाइव इज 5 9 माइनस सेवन इज 2 यहां से बोरो किया था सिक्स था फाइव बचा 5 माइनस फाइव इज जीरो माइनस फोर इज थ्री तो कितना रहा 30 मीटर एंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर देयर फोर सेवेंटी सिक्स मीटर माइनस फोर्टी फाइव मीटर सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर इज इक्वल टू थर्टी मीटर एंड ट्वेंटी ये हमारा क्या रहा थर्टी मीटर एंड ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर नाउ बी पार्ट इज सेवेंटीन ग्राम एंड फिफ्टी सिक्स मिलीग्राम फ्रॉम ट्वेंटी फाइव ग्राम एंड फोर मिलीग्राम एक्सप्रेस योर आंसर इन ग्राम किसमें करना है इसको हमें ग्राम में राइट तो 17 ग्राम 56 मिलीग्राम इज इक्वल टू 17.056 मिलीग्राम 0.56 फाइव किस लिए किया क्योंकि ग्राम से मिलीग्राम तक हमारे थ्री प्लेसेस हैं राइट 25 gram, 4 मिलीग्राम इज इक्वल टू 25.004 मिलीग्राम तो इसको हम क्या करेंगे हम हमारी बड़ी यूनिट क्या है 25 और छोटी यूनिट क्या है हमारी 17 मींस नंबर में तो राइट द स्मॉलर नंबर बिलो द बिगर नंबर एंड देन सेक्ट तो हमने 25 0.004 को ऊपर रखेंगे और 17.056 को नीचे रखेंगे माइनस करने के बाद हमारा आया 7948 तो डेसिमल कहाँ पुट करेंगे थ्री डिजिट्स के बाद देर 25.004 मिलीग्राम माइनस 17 यहाँ पे भी मिलीग्राम नहीं ग्राम आएगा क्या आएगा ये हमारा ग्राम राइट right? तो 25.004 ग्राम माइनस 17.056 ग्राम इक्वल टू 7.948 ग्राम ये हमारा आंसर रहेगा नाउ सी पार्ट नाउ सी पार्ट 8 लीटर एंड 750 मिलीलीटर माइनस 3 लीटर 300 मिलीलीटर 8 लीटर 750 मिलीलीटर माइनस 3 लीटर 300 मिलीलीटर सेम डिजिट्स हैं तो हम इसको एट लीटर एंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर एंड थ्री लीटर एंड थ्री हंड्रेड मिलीलीटर माइनस करेंगे जीरो फाइव सेवन माइनस थ्री इज फोर एट माइनस थ्री इज फाइव फाइव लीटर एंड फोर हंड्रेड फिफ्टी मिली लीटर राइट नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन मल्टीप्लाई द फॉलोइंग ए पार्ट देखेंगे इसका हम फोर hectometer, टू डेकामीटर एंड थ्री decimeter मल्टीप्लाई by सिक्स एक्सप्रेस your आंसर इन हेक्टोमीटर फोर hectometer, टू डेकामीटर एंड थ्री decimeter इज इक्वल टू हेक्टोमीटर से हम डेसीमीटर में सबको कन्वर्ट कर लेंगे सेम यूनिट में हेक्टोमीटर में हमारा थ्री डिजिट हमारा क्या जाएगा थ्री यूनिट से हमारा राइट right साइड में जाएगा राइट right? तो हम क्या करेंगे उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर लिया डेकामीटर से डेसीमीटर में जाएंगे तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो टू हंड्रेड और सबको प्लस किया तो कितना आया हमारा फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री किसके राइट और है हमारा वन थाउजेंड हमारा वन हेक्टोमीटर के इक्वल होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे देर फोर फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री डेसीमी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थ्री डिवाइडेड बाय थाउजेंड क्यों क्योंकि एक हेक्टोमीटर किसके इक्वल होता है Therefore, 4, 4, 1000 डेसीमीटर देयरफॉर 4203 डेसीमीटर इज इक्वल टू 4203 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 4.203 हेक्टोमीटर क्यों किया हमने क्योंकि हमारा जो डेसीमीटर है डेसीमीटर से हमें हेक्टोमीटर पे जाना है डेसीमीटर छोटी यूनिट है हेक्टोमीटर बड़ी यूनिट है तो छोटी यूनिट से जब हम बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं तो जितने प्लेसेस थ्री प्लेसेस पे गए तो वन थाउजेंड से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे ठीक है तो वन थाउजेंड से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया फोर पॉइंट टू जीरो थ्री हेक्टोमीटर और हेक्टोमीटर को अब हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के बाद किससे मल्टीप्लाई करना है इसको हमें सिक्स से मल्टीप्लाई करना है सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फोर पॉइंट टू जीरो थ्री हेक्टोमीटर मल्टीप्लाई बाई सॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे सिक्स की टेबल से तो हमारा कितना आया ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू वन एट हेक्टोमीटर तो आंसर क्या रहेगा हमारा ट्वेंटी फाइव पॉइंट टू वन एट हैीटर नाउ बी पार्ट थर्टी टू ग्राम थ्री हंड्रेड फोर्टी मिलीग्राम मल्टीप्लाई बाय फोर एक्सप्रेस योर आंसर इन ग्राम थर्टी टू ग्राम थ्री हंड्रेड फोर्टी मिलीग्राम तो थर्टी टू ग्राम को हमने क्या किया मिलीग्राम में कन्वर्ट किया थाउजेंड से मल्टीप्लाई करके तो थर्टी टू थाउजेंड मिलीग्राम प्लस थ्री हंड्रेड फोर्टी मिलीग्राम को उसमें प्लस किया तो टोटल कितना हो गया हमारा थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी मिलीग्राम थ्री थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी मिलीग्राम हो गया अब हमें किस में करना है आंसर को ग्राम में तो मिलीग्राम वन थाउजेंड मिलीग्राम इज इक्वल टू वन ग्राम वन थाउजेंड मिलीग्राम इज इक्वल टू वन ग्राम तो मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम थाउजेंड से क्या कर देंगे डिवाइड तो देर हमने यहाँ पे क्या किया ये डिवाइड किया देयर 32,340 थर्टी टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी मिली ग्राम इज इक्वल टू थर्टी डिवाइडेड बाई वन हमने किससे डिवाइड कर दिया 1000 क्योंकि हमें मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करना है जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में करते हैं तो हम डिवाइड कर देते हैं थाउजेंड से इसको हमने डिवाइड किया तो हमारा कितना आया 32.34 ग्राम अब ग्राम को किस में करना है फोर से मल्टीप्लाई करना है फोर से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना आया 129.36 तो 32.34 ग्राम मल्टीप्लाई बाय फोर इज इक्वल टू 129.36 ग्राम ये हमारा आंसर रहेगा नाउ सी पार्ट 46 लीटर 400 मिलीलीटर मिली मल्टीप्लाई बाय फाइव एक्सप्रेस योर आंसर इन लीटर्स लीटर्स में एक्सप्रेस करना है तो 46 सिक्स लीटर फोर हंड्रेड मिली लीटर को मल्टीप्लाई कियाउसेंड मिली लीटर प्लस फोर हंड्रेड मिली लीटर ऑलरेडी मिली लीटर में एज इट इज लिखा तो हमारा कितना हो गया फोर्टी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड मिली लीटर क्योंकि वन थाउजेंड मिली लीटर हमारा वन लीटर के होता है हमें पता है, right? तो हम क्या करेंगे मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 46,400 को 1,000 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया 46,400 को डिवाइड किया 1,000 से मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हमारा कितना आ गया 46.4 लीटर कितना आ गया 46.4 लीटर और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से तो इसको हमने यहाँ पे फाइव से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 232 लीटर लीटर्स तो 46.4 लीटर मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू लीटर राइट नाउ डी पार्ट 8996 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 4 एक्सप्रेस योर आंसर इन लीटर मिलीलीटर को है डिवाइड करना है तो पहले मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करते हैं कितना मिलीलीटर है 8996 मिलीलीटर और हमें पता है वन लीटर में कितना मिलीलीटर होता है वन लीटर में कितना मिलीलीटर है हमारा 1000 मिलीलीटर तो क्या करेंगे हम 8996 मिलीलीटर को डिवाइड कर देंगे 1000 से तो हमने यहाँ पे क्या किया इसको डिवाइड किया देर इज इक्वल टू 8996 डिवाइडेड बाय 1000 इट बिकम्स 8.996 पॉइंट लीटर अब हमें इसको किससे डिवाइड करना है फोर से नॉर्मली जैसे हम डिवाइड करते हैं फोर की टेबल से यहाँ पे हमने डिवाइड किया फोर टूजा एट जीरो ऊपर से ब्रॉड डाउन हुआ कितना नाइन डेसिमल लगा दिया क्योंकि decimal के बाद की digit नीचे लिया है तो फोर की टेबल में फोर टू यान नाइन ब्रॉड फोर फोर माइनस करेंगे थ्री थर्टी सिक्स फोर नाइनजा थर्टी सिक्स रिमाइंडर आ गया हमारा जीरो तो कितना आया हमारा टू पॉइंट टू फोर नाइन लीटर एट पॉइंट नाइन नाइन सिक्स लीटर डिवाइडेड बाई फोर इज इक्वल टू टू पॉइंट टू फोर नाइन लीटर्स डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर ये रहा तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक ऑपरेशन ए पार्ट देखते हैं इसका क्या है अ विक्ट्री स्टैंड इन स्कूल मैजर्स एज शोन इन द फिगर बिलो वट इज द हाइट ऑफ द स्टैंड इन मिलीमीटर्स एंड द लेंथ ऑफ द बेस इन सेंटीमीटर्स हमें एक विक्ट्री स्टैंड देखते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो होते हैं तो हमें इस स्टैंड की क्या है हाइट निकाल ली है मिलीमीटर्स में और लेंथ ऑफ द बेस निकालना है किसमें सेंटीमीटर में द हाइट ऑफ द स्टैंड इज इक्वल टू 1.15 मीटर प्लस 1.15 मीटर इज इक्वल टू 2.30 मीटर मीटर्स में उसकी हाइट कितनी है 2.30 मीटर हमें पता है वन मीटर में हमारा कितना मिलीमीटर होता है 1000 कितना होता है 1000 तो हम 2.30 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे वन से 2.30 मीटर इज इक्वल टू 2.30 मल्टीप्लाई बाय 1000 हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में क्यों क्योंकि 1 मीटर में हमारा 1000 मिलीमीटर mm होता है ओके okay? तो हमारा कितना आया 2, 3, 0, 0. 2300 2300 mm. मिलीमीटर कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद 2300 मिलीमीटर सो द हाइट ऑफ द स्टैंड इज 2300 मिलीमीटर द लेंथ ऑफ द बेस इज इक्वल टू 1.45 मीटर प्लस 1.45 मिली मीटर प्लस 1.45 मीटर टोटल हमारा कितना आया 4.35 मीटर 4.35 मीटर इज इक्वल टू 4.35 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड सेंटीमीटर क्योंकि हमें बेस का किस में निकालना है सेंटीमीटर में राइट right? तो वन मीटर में कितना सेंटीमीटर हंड्रेड तो 100 से इसको हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो 4.35 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारा 435 सेंटीमीटर कितना आया 435 centimeter. So the length of the base of the stand is 435 centimeter. Now B. A mouse weighs 3.485 kilogram lesser than a cat. Lesser than means एक कैट से इतना उसका वेट कम है कितना 3.485 किलोग्राम इफ द कैट वेट्स 4.5 किलोग्राम अगर कैट का वेट हमारा कितना है 4.5 किलोग्राम है व्हाट इज द वेट ऑफ माउस इन ग्राम्स हमें माउस का वेट निकालना है किस में ग्राम्स में राइट right? तो द वेट ऑफ द माउस कैट का वेट कितना है 4.5 किलोग्राम और माउस कितना कम है उससे 3.485 किलोग्राम तो कैट के वेट में से जितना माउस कम है उतना उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे 4.5 किलोग्राम माइनस 3.485 किलोग्राम अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल करेंगे 4.5 के बाद कुछ नहीं है तो हमने जीरोस पुट कर दी यहाँ पे और 3.485 माइनस क्या जीरो से माइनस नहीं होगा बोरो किया तो 10 माइनस फाइव इज 5 9 माइनस इज वन फोर माइनस इज जीरो फोर माइनस इज वन कितना आया वन फाइव किलोग्राम द वेट ऑफ द माउस इन किलोग्राम इज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो वन फाइव किलोग्राम कितना वेट आया वन पॉइंट जीरो वन फाइव किलोग्राम लेकिन हमें किस में चाहिए ग्राम में और हमें पता है एक किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं वन थाउजेंड ग्राम्स कितने होते हैं वन थाउजेंड ग्राम्स देयर फोर 1.015 किलोग्राम इज इक्वल टू 1.015 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्योंकि हमें किलोग्राम से किसमें कन्वर्ट करना है ग्राम में तो हम 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई तो हमारा आंसर आया 1015 मींस 1015 ग्राम तो हमारा माउस का वेट कितना है 1015 ग्राम सो द वेट ऑफ माउस इन ग्राम्स इज 1015 ग्राम नाउ सी पार्ट

ओके okay? और टोटल कितनी है कितने पर्ल है 38 एट द लेंथ ऑफ द बेंगल इन मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 38 एट मल्टीप्लाई बाय थ्री इज इक्वल टू वन मिलीमीटर्स कितना है 114 हंड्रेड फोर्टीन लेकिन हमें किस में चाहिए सेंटीमीटर में हमें पता है वन सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है वन सेंटीमीटर में कितना होता है 10 मिलीमीटर होता है तो 114 मिलीमीटर इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय टेन क्योंकि हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं और एक ही स्टेप हम गए हैं तो टेन से क्या कर देंगे डिवाइड तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारा आंसर इलेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर देर फोर द बेंगल इज इलेवन पॉइंट फोर सेंटीमीटर लॉन्ग नाउ डी पार्ट हाउ मेनी मग्स ऑफ कैपेसिटी सेवेंटी फाइव एम एल कैन बी यूज टू फिल ए फ्लास्क

फिफ्टी मिली लीटर राइट द कैपेसिटी ऑफ द कॉफी मग कॉफी मग की कैपेसिटी कितनी है सेवेंटी फाइव एम एल हमने एम एल में क्यों चेंज किया क्योंकि हमारे मग की कैपेसिटी किसमें गिवन थी मिलीलीटर में और हमें क्या करना होता है जब भी हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें सेम यूनिट चाहिए तो हमने उसको लीटर से मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लिया डिवाइड अब हमें बताना है तो कि कितने मग्स भरेंगे तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे फ्लास्क की कैपेसिटी को एक मग की कैपेसिटी से डिवाइड 3750 मिलीलीटर बाय 75 मिलीलीटर टू फाइंड हाउ मेनी कॉफी मग्स कैन फिल द जग हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे डिवाइड किया 3750 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू 50 डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आया 50 देयरफॉर 50 कॉफी कप्स विल फिल द जग कितने फिल कर सकता है 50 कॉफी कप्स तो बच्चों एक्सरसाइज आप खुद ट्राई करेंगे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टीमेशन ऑफ मेजरमेंट्स एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है लगभग एस्टिमेट करना अंदाजा लगाना अनुमान लगाना वी ऑफन एस्टिमेट मेजरमेंट्स टू गेट क्विक सॉल्यूशंस टू गिव इन प्रॉब्लम एन एस्टिमेटेड वैल्यू इज क्लोज टू एन एग्जैक्ट मेजरमेंट जैसे यहां पे हमें गिवन है एक थम थ्री सेंटीमीटर द डिस्टेंस फ्रॉम द निकल टू द टिप ऑफ द थम ऑफ एन एडल्ट मैन इज ऑलमोस्ट थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग ऑलमोस्ट का मतलब क्या है लगभग ये हमारा क्या है एस्टिमेशन कि लगभग वो थ्री सेंटीमीटर लॉन्ग होता है नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे द बोटल कंटेन अबाउट वन लीटर ऑफ वाटर इसने क्या कहा इस बॉटल को देख के क्या दिखाया कि ये बॉटल एक लीटर के लगभग पानी को कंटेन कर सकती है लगभग अबाउट का मतलब नियर बाय नाउ नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं बैग देख रहे हैं द वेट ऑफ द स्कूल बैग इज अप्रोक्सीमेटली सेवन हंड्रेड ग्राम अप्रोक्सिमेटली मतलब लगभग नियर बाय कितने ग्राम है सेवन तो ये सारे हमने क्या लगाए हैं एस्टिमेट लगाए हैं जो एग्जैक्ट के नियर बाय हैं थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज खुद ट्राई करेंगे आई होप आपको चैप्टर समझ आया इसका रिविजन आप खुद कीजिए